गुड मॉर्निंग एवरीवन, होस्ट क्लासेस, मैं राज सर, राजगुरु, मैं आपके सामने सेकेंड वीडियो लेकर आ रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा प्रोग्रामिंग है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में इसका डिफिनेशन डिफाइन करता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम बट विच परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, लेकिन जो क्या करता है, एक सर्टेन निश्चित कार्य को करता है। क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस को आप एक सिस्टम से नहीं लिखते हैं तो वो कोई काम नहीं करेगा। तो प्रोग्राम लिखने का भी टेक्निक होता है। अगर यहां पर हम बात करते हैं कि प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहां पे कहीं ना कहीं लोगों का व्यू होता है प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो डेवलपर बनने का। तो अगर सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है। आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रोग्राम में आती है बातें इंस्ट्रक्शंस की, कि आखिर ये इंस्ट्रक्शन क्या है। तो प्रोग्राम में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो इंस्ट्रक्शन करता है, और उस इंस्ट्रक्शन को हमें समझना होगा। और एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि घर में अगर कोई फंक्शन होता है, चलो अभी शादी का टाइम चल रहा है, शादी की बात करें, तो वो भी एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत फंक्शंस होते हैं और सबका अपना प्रोटोकॉल होता है। तो उसी तरह से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस प्रोग्राम को, पहले एक चीज और समझना होगा कि आखिर ये इंस्ट्रक्शन है क्या। इंस्ट्रक्शन है क्या, इंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो यहां पे हिंदी मीनिंग इसका अगर आप देखते हैं तो होता है निर्देश या सुझाव, जो कि इंस्ट्रक्ट करता है सिस्टम को टास्क को परफॉर्म करने के लिए। गिवन डेटा, जो डेटा हम लोग देते हैं उस पे क्या काम करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। अगर 5+4 राइट करते हो तो रिजल्ट क्या होगा, 9। अगर सपोज यहां 5-4 करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1। तो ये रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन पे क्या डिपेंड कर रहा है, आपका रिजल्ट डिपेंड कर रहा है। क्योंकि यहां पे प्लस था, ये इंस्ट्रक्ट करता है कि ये नंबर को ऐड करना है, ये माइनस क्या इंस्ट्रक्ट करता है कि नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इंस्ट्रक्ट, इसी टाइप से हम पूरे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन, वो फंक्शन भी कहा जाता है। और अगर आती है दूसरी क्वेश्चन मन में आता है ये कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आखिर यहां पे लैंग्वेज क्यों यूज हो रहा है। अगर हम इंस्ट्रक्शन के बाद बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सबसे पहले समझना होगा लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब हमें पता है कि लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा। और अगर इसको आप डिफाइन करते हो तो बाय विच वी एक्सप्रेस टू एनी फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, मतलब जिसके द्वारा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। मतलब हम जो बातें कर रहे हैं वो अगला पर्सन समझ रहा है, वो बोला वो उनकी बातों को हम समझ सकते हैं। उसी तरह से अगर सिस्टम में आप कम्युनिकेट होते हैं तो यहां भी यूज लैंग्वेज है, इट मीन्स हम अपनी लैंग्वेज को सिस्टम को कैसे समझाएं। तो जितने भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, जितने भी तरह का सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो जिसके थ्रू हम काम करते हैं, ऐसे भी अगर देखते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप डिफाइन करते हैं फंडामेंटल में, या फंडामेंटल बेसिक बातें आती है, तो वहां पे क्या है कि ओएस इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और सिस्टम के बीच, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। और वो किस में लिखा गया है, तो प्रोग्रामिंग। तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज भी है, उसके थ्रू जो हम बना रहे हैं वो कनेक्ट होता है। लेकिन सी में, कंप्यूटर में बहुत ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम राइट करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा सी प्रोग्रामिंग पे। सी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।